हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टीना डाबी ने जिला कलेक्टर जैसलमेर का किया पदभार ग्रहण। अधिकारियों से की चर्चा। संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन की रहेगी प्राथमिकता। 6 जुलाई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टीना डाबी आईएएस ने बुधवार को प्रातः 10 बजे जिला कलेक्टर जैसलमेर का पदभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त जिला कलेक्टर टीना डाबी ने प्रशासक जैसलमेर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जैसलमेर व अध्यक्ष नगर विकास न्यास का भी कार्यभार ग्रहण किया है। डाबी ने 65वें जिला कलेक्टर जैसलमेर के पद का कार्यभार संभाला है। नवनियुक्त जिला कलेक्टर डाबी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिला अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियों एवं प्रशासनिक गतिविधियों के साथ ही सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं व फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ली। डाबी संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर से स्थानांतरित होकर आई हैं एवं जैसलमेर जिला कलेक्टर का पदभार संभाला है। जिला कलेक्टर सुश्री डाबी ने पदभार ग्रहण करने के बाद बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि वे सरकार के संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन उद्देश्यों को सार्थक करें। इसके साथ ही जिले में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना तथा आमजन की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से निस्तारण करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नवनियुक्त जिला कलेक्टर सुश्री डाबी के जैसलमेर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाताराम, नगर विकास न्यास की सचिव सुनीता चौधरी, उपखंड अधिकारी जैसलमेर दौलतराम चौधरी, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सावरमल रेगर, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद वैष्णव सहित अन्य अधिकारियों ने गुलदस्ते भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।